तो आज हम बताते हैं कि कांच की बोतल को कैसे ऑटो कूलर करें। सबसे पहले कांच की बोतल रखेंगे, यदि उसमें प्लास्टिक का ढक्कन है तो प्लास्टिक का ढक्कन निकाल के दूर रख देना, सिर्फ बोतल ही ऑटो कूलर बनेगी। इसको ऐसे खोल के रखना है, उसके बाद हमें ऑटो कूलर में डाल देना है। ऑटो कूलर में पानी सिर्फ इधर तक भरना चाहिए, ये रेड कलर का है, यहाँ तक भरना चाहिए, ऊपर वाले तक पानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम ड्रम को अंदर डाल देंगे और ऑटो कूलर को बंद कर देंगे अच्छे से। जो कि अंदर से हवा नहीं निकले, अब इसको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, अब इसको ऑन कर देंगे। इसको जब तक रखेंगे जब तक यहाँ की मीटर की लाइन 15-20 तक नहीं आ जाए और ऑटो क्लैप सीटी नहीं मारने लगे, यहाँ से सीटी मारे तब तक इसको ऑन रखेंगे। जब तक शुरू करते हैं उससे पहले इसको खोल देंगे, यहाँ से हवा निकलने लगेगी, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। 15-20 मिनट बाद ये ऑटो क्लैप फिर सीटी मारेगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे और हमारा ऑटो क्लैप पूरा हो जाएगा।